हेलो फ्रेंड्स, आज आप जी के कुछ फन कुछ सीखें के द्वितीय पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। आइए बच्चों, मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे भी जी के हम लोगों को जानना ही चाहिए, जी के में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रखना ही चाहिए बच्चों। ये सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन है, आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं, वो जानते भी होंगे। तो आइए फिर से रिवाइज कीजिए, या अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। आइए बच्चों सीखते हैं अजब जी के कुछ फन कुछ सीखें। पहला प्रश्न बच्चों, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में चक्र के दाई और बाई और कौन कौन सा जानवर है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह वो क्या है बच्चों? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है। तो कह रहा है इसके इसमें जो चक्र है, गोला शेर के नीचे एक गोलाकार भाग होता है, उसी में जो चक्र है अशोक चक्र जिसमें 32 तिथियां होती है, उसके दाई और बाई में कौन कौन सा जानवर है? ऐसे बच्चों अशोक स्तंभ जो है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, उसमें सब मिला के ऊपर में चार गो शेर है, लेकिन दिखता है हमको तीन गो है, और जो गोलाकार भाग है जहाँ चक्र है उसमें सब मिला के चार जानवर रहता है, हाथी है, घोड़ा है, बैल कहिए या सांड कहिए, और एक सिंह है, सभी दौड़ता हुआ है, वो हमें गति का प्रतीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि चक्र के दाई और बाई और कौन कौन सा जानवर है, तो दाई और बाई और बच्चों, तो सबसे पहले जो दाई देख रहे हैं, दाई और में आपका बैल है या सांड है, बैल या सांड दोनों क्या है, दाई और बैल या सांड बोलिएगा, और बाई और जो है घोड़ा है, क्या बच्चों? दाई और आपका बैल है और बाई और क्या बच्चों? आपका घोड़ा है, ठीक है, समझ गए? अब जा रहा है राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर दिखाए थे, कुछ देर पहले बोले कि सब मिला के शेर चार गो ऊपर में है, लेकिन दिखाई पड़ता है हमको तीने गो, तो कितने शेर दिखाई पड़ते बच्चों? तीन, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, राष्ट्रीय चिन्ह जो है ये भारत में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह मानते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह मानते हैं, राष्ट्रीय है उसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो पूछ रहा हूँ कहाँ से लिया गया था, तो बच्चों ये लिया गया था मुंडकोपनिषद से। कहां से लिया गया बच्चों? मुंडकोपनिषद, लिख लीजिएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है, समझ गए? राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये कहां से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सबसे पहले कब और किस पत्रिका में हुआ? राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन अधिनायक, सुने हैं बहुत बच्चों, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में कन्फ्यूज रहते हैं, राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक है, और राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम, भूलिएगा नहीं, राष्ट्रीय गान कौन है? जनगण मन अधिनायक, और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। तो ही कह रहा है कि राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सबसे पहले कब, राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सबसे पहले बच्चों 1912 ईस्वी में, क्या हुआ था? 1912 ईस्वी में किस पत्रिका में हुआ था? उस पत्रिका का नाम है तत्वबोधिनी, क्या नाम है? तत्वबोधिनी, समझ गए क्या बोले? तत्वबोधिनी, लिख लीजिएगा 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी, जो बोल रहे हैं उसको सुन के याद कीजिए, ये लिखावट में नहीं जाइएगा। राष्ट्रीय गान को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था, राष्ट्रीय गान को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में गाया गया था। तो कह रहा है किस अधिवेशन में गाया गया था, किस अधिवेशन में गाया गया था? तो बच्चों 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय गान को गाया गया था किस अधिवेशन में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, क्या बोलिएगा? INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता
उसमें नाम था कलकत्ता, कोलकाता, कोलकाता भी हुआ, कलकत्ता अधिवेशन में, अधिवेशन में किसने गया था, कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, कोलकाता तो बाद में हुआ। अगला प्रश्न बच्चों, राष्ट्रीय गान जनगणमन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक के नाम बताइए। राष्ट्रीय गान का लेखक तो आप जान ही रहे हैं, राष्ट्रीय गान का लेखक कौन है, आर एन टैगोर, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान का कौन है, आर एन टैगोर, और टी ए जी और राष्ट्रीय गीत कौन है बच्चों, बंकिम चंद्र चटर्जी, क्या बोलिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, समझ गए। आगे देखिए, राष्ट्रीय गीत को 1882 में किस उपन्यास में लिखा गया था, क्या करा बच्चों, राष्ट्रीय गीत को 1882 में किस उपन्यास में लिखा गया था। राष्ट्रीय गीत जो है कौन, राष्ट्रीय गीत कौन है, वंदे मातरम, तो राष्ट्रीय गीत को 1882 ईस्वी में लिखा गया था, लेकिन किस उपन्यास में लिखा गया था, तो बच्चों उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ, क्या नाम है बच्चों, आनंद मठ, भूलिया नहीं, आनंद मठ, आनंद मठ याद रखिएगा, आनंद मठ। अब रे बच्चों, राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे, अब राष्ट्रीय गीत बनाया तो कोई गाएगा है ना, तो राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे, तो उनका नाम था बच्चों पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, क्या नाम था बच्चों, पी की मतलब पंडित ओंकार, ओंकार नाथ ठाकुर, क्या नाम था, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले गाया, भारत के जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसको सबसे पहले किसने गाया, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय गीत का इंग्लिश ट्रांसलेट किसने किया, राष्ट्रीय गीत का इंग्लिश ट्रांसलेट मैंने राष्ट्रीय गीत को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो उसका नाम, उनका नाम आप जानते होंगे, श्री अरविंदो, श्री अरविंदो, यहाँ पर चलता श्री अरविंदो, नाम याद रखिएगा, श्री अरविंदो, क्या नाम था बच्चों, श्री अरविंदो, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया, अनुवाद किसने किया, श्री अरविंदो जी ने, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों, राष्ट्रीय गीत का, राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले कब गाया गया, राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले कब गाया गया, इसे 1896 में, ध्यान रखिएगा, 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, INC अधिवेशन में गाया गया, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले कब गाया गया, राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले 1896 ईस्वी में INC अधिवेशन में गाया गया, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गाया गया था बच्चों, तो समझ गए हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है, चक्र के दाईं ओर बैल है, बाईं ओर कौन है, घोड़ा है, राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं, 3 शेर, राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, कहाँ से लिया गया था बच्चों, वो कहाँ से लिया गया था, मुंड कोपनिषद से लिया गया था। राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सबसे पहले कब और किस पत्रिका में हुआ, तो राष्ट्रीय गान का सबसे पहले प्रकाशन 1912 ईस्वी में तत्व बोधिनी नामक पत्रिका में हुआ। राष्ट्रीय गान का सबसे पहले, राष्ट्रीय गान को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था, राष्ट्रीय गान जो जनगणमन है उसे 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था, किस अधिवेशन में गाया गया था, कांग्रेस INC मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान हमारा कौन है, जनगणमन अधिनायक, और राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम, इसका लेखक पूछा दोनों कौन है, तो राष्ट्रीय गान का लेखक जानते हैं अरविंद नाथ टैगोर, शॉर्ट में RN टैगोर, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत को 1882 ईस्वी में किस उपन्यास में लिखा गया था, ध्यान दिया, राष्ट्रीय गीत को 1882 ईस्वी में लिखा गया था, लेकिन किस उपन्यास में लिखा गया था, आनंद मठ नामक उपन्यास में। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन है, राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, भूलिएगा नहीं,
राष्ट्रीय गीत का इंग्लिश ट्रांसलेट किन्होंने किया? इंग्लिश अनुवाद श्री अरविंदो जी ने किया। राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले कब गाया गया? राष्ट्रीय गीत को बच्चों सबसे पहले 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, बहुत ही आसान थे। आप लोगों को पहले से भी आता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं आता था उन्हें ये सभी क्वेश्चन आना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन इससे हर एग्जाम में आता ही है। तो आप लोग अच्छा से दिमाग बैठा लीजिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो, नहीं भी तैयारी करते हैं फिर भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जनरल नॉलेज सबके लिए ज़रूरी है। तो बच्चों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।